करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं स्टार लगा होगा, है ना, तो वह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे और आप अपने एग्जाम में सफलतापूर्वक पास हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरे और भी वीडियोस देखना है तो मैंने करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप इसे वहां जाकर भी देख सकते हैं जो कि डेट वाइज बनी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक के जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रांड इंडिया अभियान किस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाएगा? ए ब्रांड इंडिया कैंपेन, बी है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBEF। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने ब्रांड इंडिया अभियान फाउंडेशन इनके द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है, IBEF के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में नाइटहुड मिला है? ए वेस्ट इंडीज के क्लाइव लॉयड को, बी है इंडिया के रोहित शर्मा को। इसका आंसर है ए, यानी कि वेस्ट इंडीज के क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला हुआ है। नाइटहुड क्या होता है? एक सम्मान होता है यहाँ, यानी कि किसी एक देश के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा उस व्यक्ति को किसी अच्छे काम के लिए नाइटहुड पुरस्कार मिलता है, ठीक है, या सम्मान कह सकते हैं आप, इसे सम्मान दिया जाता है उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किन दो देशों की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास किया है? ए अमेरिका एंड रशिया, बी है इंडिया एंड रशिया। तो राइट आंसर है इसका यानी कि बी, इंडिया और रशिया जो दो सेना है ना, इन दो देशों की नौसेना ने अरब सागर में पासेस अभ्यास शुरू किया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट यानी किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? ए दिल्ली, बी है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है इसका ए दिल्ली। तो दिल्ली राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है ना। पॉडकास्ट यानी कि एक प्रकार से ऑडियो जैसा होता है, कहानी जैसा, ऑडियो में कहानी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खादी के कपड़े से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? ए जयपुर, बी है जैसलमेर। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि जैसलमेर में खादी के कपड़े से बनिया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था जैसलमेर, है ना, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए हाल ही में कानून बनने जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के लिए हाल ही में कानून बनाने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेगुलेशन है ताकि बच्चे ज़्यादा गेम की ओर आकर्षित ना हों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा धरती पर कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया गया है? ए रशिया, बी है चाइना। तो इसका आंसर है बी, यानी कि चाइना देश के जो वैज्ञानिक है धरतियों पर आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया जा रहा है, और चाइना को नए नए आविष्कार करने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितनी मिलियन तक पहुंच जाएगी? ए 210 मिलियन, बी है 207 मिलियन। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी आपकी 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है यहां पूरी दुनिया के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ए टाटा पावर
रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा, एंड बी है उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय पावर प्लांट। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, रिन्यूएबल यानी कि रिन्यू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है? ए हरियाणा, बी पंजाब। तो इसका आंसर है ए, यानी कि हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? ए जनवरी 12, बी है जनवरी 19। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जनवरी 19 को एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, यह क्या करती है, इसका मुख्य पर्पज होता है कि किसी भी डिजास्टर या बड़ी दुर्घटना के समय रिस्पांस करना, मैनेजमेंट करना उन चीज़ों को। ठीक है, यह इसका मुख्य काम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? ए बेरोजगारी होना, बी महान इस्तीफा। इसका आंसर है बी, यानी कि महान इस्तीफा। ठीक है, तो ग्रेट रजिस्ट्रेशन एक ऐसी घटना जो कोविड 19 के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड की संख्या वर्णन करती है। कई अध्ययनों के संकेत दिया गया है कि भारत सहित दुनिया भर में नौकरी छोड़ने की उच्च दर के पीछे महामारी का एक बड़ा हाथ है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? ए 22 जनवरी, बी है 16 जनवरी। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 16 जनवरी को 2022 में है ना स्टार्टअप दिवस मनाया गया। स्टार्टअप ने किसी काम को स्टार्ट करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसके द्वारा फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता गया? ए रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, एंड बी है डेनिस इल्पोविया। तो इसका आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के द्वारा फीफा पुरुष खिलाड़ी खिताब जीता गया है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी द्वारा यूपीआई ओटीपी शुरू किया गया है? ए एयरटेल पेमेंट बैंक, बी है जियो। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जियो के द्वारा यूपीआई ओटीपी शुरू की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस एयर इंडिया के नए सीएमडी के रूप में चुना गया है? ए शशांक गोयल, बी है विक्रम देवदत्त। तो इसका आंसर है बी, यानी विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया के नए सीएमडी के रूप में चुना गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ए जापान, बी है इंडिया। तो इसका आंसर है बी, यानी कि इंडिया हाल ही में एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। एएफसी का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, यहाँ अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस मिलते रहे और मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा और नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको उससे जल्द से जल्द मिल जाएगा और आप हमारी वीडियोस को जल्द से जल्द देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मेघालय के कैबिनेट के द्वारा सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ाई दी गई है? ए 5 साल, बी है 4 साल। तो इसका आंसर है
ए यानी कि 5 साल यानी कि मेघालय की कैबिनेट के द्वारा जो सरकारी नौकरी के जो उम्मीदवारों की आयु सीमा 5 साल बढ़ा दी गई। सरकार के इस फैसले के बाद युवाओं को बड़ी राहत मिली है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के मुताबिक इस फैसले के जरिए आयु में छूट को 27 से बढ़ाकर 32 वर्ष कर दिया गया है और अनुसूचित जाति ST के लिए 5 वर्ष जोड़े जाएंगे, जिससे ऊपरी आयु सीमा 37 वर्ष की छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए 40%, बी है 47%, तो इसका आंसर है ए यानी कि 40% सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है ना, 40% की वृद्धि हुई डिजिटल भुगतान में। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कौन सी खिलाड़ी है जिन्हें ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? ए स्मृति मंधाना एंड बी है हरमनप्रीत कौर, तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि स्मृति मंधाना को ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ध्यान रखिएगा, जिसमें स्टार लगा हुआ है वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ए उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि हिमाचल प्रदेश में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपने इसकी तो अभी पिक्चर भी देखी होगी, कैप्टन विक्रम बत्रा वाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के साथ किस देश ने 3 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए सहमति बनाई है? ए श्रीलंका, बी अमेरिका, तो राइट आंसर है इसका ए यानी कि श्रीलंका और भारत ने 3 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए सहमति बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लो को कितने वर्ष बाद बुझाकर कितने वर्षों बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा 45 भी है 50, तो इसका आंसर है बी यानी कि 50 वर्ष बाद इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लोग को बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? ए फेसबुक, बी ट्विटर, तो इसका आंसर है बी यानी कि ट्विटर ने हाल ही में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हमने 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक के जो मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हमने उनको अटेंड किया हुआ है, और जिस क्वेश्चनों में स्टार लगा हुआ है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए हमेशा की तरह। तो देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.